प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों आज की जो क्लास है अगेन वो रियल नंबर के ऊपर है, ठीक है। लेकिन रियल नंबर का हम कौन सा पार्ट करेंगे? रियल नंबर में हम पढ़ेंगे आज हम HCF और LCMs के बारे में, ठीक है बेटा। इनसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM। चलो HCF और LCM को अंडरस्टैंडिंग करने से पहले इनको इनकी जो ज़रूरत है, इनकी जो प्री रिक्वायरमेंट है उनको पढ़ लेते हैं। तो हमें HCF और LCM को समझने के लिए ज़रूरत पड़ती है फैक्टर एंड मल्टीपल्स की, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है बेटा। फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक रिकैप करा देता हूँ आपको। फैक्टर का मतलब होता है बेटा द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड या इज नोन एज इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। यानी किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट या कंप्लीट डिवाइजर है वही उसका फैक्टर कहलाता है। इट मीन्स कि अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने में कंप्लीट डिवीजन प्रोसेस हो जाती है, मतलब लास्ट में रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर कहलाता है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए फैक्टर्स ऑफ, देखो भाई फैक्टर्स ऑफ 6 आर, हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं 6 के? 1 है और खुद 6 है, और बीच में 2 भी है और 3 भी है। इसका मतलब यह है कि जो 6 है हमारा जो 6 है वो इन नंबरों से किसी से भी डिविजिबल है। देखो कैसे, और कंप्लीट डिविजिबल, जैसे 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 1 की टेबल 6 टाइम पढ़ें तो रिमाइंडर 0, यानी 1 इज ए फैक्टर ऑफ 6। अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं नेक्स्ट फैक्टर इसके 2 से, तो 2 थ्री जा 6, अगेन रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हम 3 से मतलब 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 टू जा 6 हो गया, अगेन रिमाइंडर 0 आ गया। खुद ही 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी ये जो सारे नंबर हैं 1 2 3 और इवन खुद इटसेल्फ में 6 भी अपना फैक्टर है, ठीक है ना। यानी ये फैक्टर तो आपको हमेशा नज़र आएंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, वो अपने हमेशा फैक्टर ही होते हैं, क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ और नोट करो बेटा, द फैक्टर ऑफ ए नंबर, जो फैक्टर होते हैं द फैक्टर्स ऑफ नंबर, या बोलो द नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। यानी अगर जैसे जैसे एग्जांपल के लिए बात करें हम, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 इज कितने? 1 2 3 4, यानी 4 है और वो कौन कौन से? 1 2 3, ये 6 है, इनके अलावा 6 के और कोई फैक्टर नहीं हो सकते, क्लियर है बेटा। तो एक तो तुम्हें ये टर्म याद करनी है, ठीक है ना, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट होते हैं, या ठीक है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है बेटा? मल्टीपल मल्टीपल वैसे टेबल को ही कहा जाता है, लेकिन टेबल हमारी 10 पे फिनिश हो जाती है, बट जो भी 10 से भी आगे उनके नंबर जो डिविजिबल होंगे उस गिवन नंबर से वो उसके मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो मल्टीपल क्या होता है? द एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिविडेंड, वहाँ डिविजर होता है, यानी डिविडेंड एग्जैक्ट डिविडेंड ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स मल्टीपल। यानी किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिविडेंड होता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 आर कौन कौन से? यानी 3 किस किस को डिवाइड कर देगा? खुद 3 को कर देगा, 6 को, 9 को, 12 को, एंड सो ऑन। अब मल्टीपल फैक्टर तो हमारे फाइनाइट होते हैं,
लेकिन मल्टीपल किसी नंबर के फाइनाइट नहीं होते, ये इनफाइनाइट होते हैं, बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट, यानी किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो फैक्टर है वो हमारे फाइनाइट होते हैं, यानी वो हमारे काउंटेबल होते हैं, हमें पता है कि भाई इतने ही फैक्टर हैं, बस उतने ही होंगे उसके, क्लियर है। आप नोट करो इसे, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, जो नंबर ऑफ जो फैक्टर और मल्टीपल हैं किसी नंबर के, वो क्या हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं। यानी आपके पास में दो या दो से अधिक अगर नंबर अवेलेबल है तो हो सकता है उनके बीच में कॉमन फैक्टर हो भी, और हो भी सकता है वो ना भी हो उनके बीच में। तो मल्टीपल और जो फैक्टर होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी मैं हेडिंग है कॉमन, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स, ठीक है बेटा। यानी इस हेडिंग का मतलब है कि दो या दो से अधिक नंबर के अंदर कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, जैसे मान लो एक आपके पास में एग्जांपल है, आपको लिख रहे हैं राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 12 के लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका? ये वैसे छोटी क्लास में भी था, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ये रिकैप हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से एचसीएम और एलसीएम को समझ सकोगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे फैक्टर्स ऑफ 6, मान लेते हैं फैक्टर ऑफ 6। मैंने बताया फैक्टर लिखने का तरीका क्या, पहले 1 को लिखो, फैक्टर ऑफ 6 आर कौन कौन से बेटा, पहले तो 1 को लिखो क्योंकि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और वो खुद नंबर भी अपना फैक्टर होता है। और बीच में देखो कौन किस किस से डिविजिबल है, 6 2 से भी और 3 से भी। सिमिलरली अगर हमें फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 आर, बताया था मैंने सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद में 12 लिखो। अब देखो और किस किस से 12 डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है और 6 से भी है। तो आप इनके अंदर देखो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं 6 और 12 में, ठीक है बेटा। और एक यानी हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 12 आर 1 है, 2 है, 3 है और खुद 6 है, क्लियर है। सिमिलरली देखो एक और एग्जांपल है, एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं और एग्जाम्पल 2 है, राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 12। पर आपने पढ़ा है कि मल्टीपल्स तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम इनफाइनाइट की फॉर्म में देखेंगे, ये भी खुद ही अपने आप में इनका जो कॉमन होगा वो भी हमारा मल्टीपल ही होंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखो भाई पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, सिक्स के मल्टीपल यानी 6 से स्टार्ट करेंगे, फिर 12 है, फिर आपको पता है 18 है, 24 है, 36 है एंड सो ऑन चलते हैं, क्लियर है। अच्छा मल्टीपल ऑफ 12 कौन कौन से बेटा, 12 से स्टार्ट करेंगे, 24 है और 36 भी है, फिर 48 भी है एंड सो ऑन है। तो आप देखो कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं,
यानी ये 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका पहला मल्टीपल हमारा 12 है, यानी सबसे छोटा यानी लीस्ट मल्टीपल कौन सा हमारा 12 है इनका, ठीक है ना। तो और भी आगे आते हैं, यानी जो 12 के भी मल्टीपल होंगे वो दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे, तो हम लिख सकते हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 12 आर, यानी जो दोनों के कॉमन मल्टीपल है, खुद 12 हो गया, 12 के बाद आएगा हमारा 12 की ही, अब हम 12 के ही मल्टीपल लिख देते हैं, 12 हो गया, 36 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 60 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे चलते जाएंगे 72 एंड सो ऑन, यानी जो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल का मतलब स्टार्टिंग करनी है हमारे इनके लीस्ट मल्टीपल से, और जो लीस्ट मल्टीपल है उसके भी जो मल्टीपल होंगे वो दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट होते हैं, तो कॉमन मल्टीपल भी किसी नंबर के दो या दो से अधिक नंबरों पे इनफाइनाइट होते हैं। आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको प्राइम और को प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, हो गया। चलो अब देखो बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है बेटा। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, प्राइम नंबरों की कई तरीके से डिफाइन करते हैं हम। प्राइम नंबरों को HCF की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, प्राइम नंबरों को फैक्टर की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने HCF तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी हमने HCF पढ़ा नहीं है, तो उससे पहले मैं इनको फैक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर देता हूँ। यानी प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, ठीक है, द नंबर्स, यानी उन नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है ना। कौन कौन से टू फैक्टर, एक तो वन होगा, ठीक है ना, एक तो वन एंड दूसरा होगा नंबर इट्सेल्फ, ठीक है ना, इट सेल्फ, यानी वो उन नंबरों को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिन नंबरों के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। मतलब एक तो वन, तो आपको पता है ऑब्वियसली सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, और जो नंबर खुद है वो भी अपना फैक्टर होता है, यानी जो नंबर सिर्फ अपना आप से डिविजिबल होंगे वही नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो प्राइम नंबर में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है, चूँकि बाद में आप देखोगे हमारा 3 है, फिर हमारा 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और 17 है, 19 है, एंड सो ऑन है। अच्छा एक चीज़ नोट करना बेटा, ये जो 2 है ना, 2 एक अनोखा प्राइम नंबर है, यानी ये इवन भी है और अपने आप में प्राइम भी है, ठीक है, इसके बाद में को प्राइम भी। देखो बेटा को प्राइम क्या होता है, को प्राइम हमारे पेयर में बोलो एक तरीके से, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, को प्राइम कहा जाता है द नंबर्स विच हैव वन एज ए कॉमन फैक्टर, यानी जिनका सिर्फ क्या होता है, वन ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। जिन नंबरों के पेयर में या दो से ज़्यादा नंबरों में सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो, उन सब नंबरों को हम को प्राइम कहेंगे। जैसे देखो पेयर ऑफ को प्राइम, थे पेयर ऑफ को प्राइम, यानी जिनके बीच में वन के अलावा कोई कॉमन ना हो, जैसे 3 के साथ में 2 हो गया, 7 के साथ में हमारा क्या हो गया, मान लो 13 हो गया, ठीक है ना, और 5 के साथ में हमारा 2 हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे को प्राइम है हमारे, ठीक है ना। को प्राइम का मतलब इनके इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यानी इसलिए ये को प्राइम कहलाते हैं। अब देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन या मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, दो टर्म है, प्राइम फैक्टराइजेशन, आप ये भी टर्म समझ, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि
किसी भी नंबर को ब्रेक करना या स्प्लिट करना उसके फैक्टर में, यानी अगर हम किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं उसके फैक्टर की में, तो उसका फैक्टराइजेशन करा। लेकिन अगर उसी नंबर को हमने प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करा या रिटर्न करा, तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। क्लियर? देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ 24 को हम लिख सकते हैं बेटा 12 × 2 लिख सकते हैं, ये इसका फैक्टराइजेशन है। हम 24 को लिख सकते हैं 3 × 8 भी लिख सकते हैं, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। क्या है बेटा इसका? ये फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर मैंने 24 को इस तरीके से ब्रेक करा प्राइम फैक्टर में, यानी 2 की टेबल पढ़ेंगे, 6 × 2 = 3 × 3 = 1, यानी अब मैंने 24 को लिखा 2 × 2 × 2 × 3, तो ये कहलाता है बेटा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सिंपली उसके फैक्टर में उसको स्प्लिट करना। इनके अलावा भी आप जो जो फैक्टर उनमें स्प्लिट कर सकते हो, तो वो उसका फैक्टराइजेशन कहलाएगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना, ठीक है ना, तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। हम इसको आगे और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2³ × 3 × 3⁻¹। क्लियर है? तो चलिए, अब जो रिक्वायरमेंट थी हमारी HCF और LCM के लिए वो कंप्लीट हुई। आप इनको नोट करो और अब मैं आपको बताता हूँ HCF का मीनिंग क्या होता है, और फिर हम उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। पहले उनसे क्वेश्चन से पहले मेथड्स पढ़ेंगे कि HCF को फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिर उनके ऊपर हम बेस क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप इसको लिखो। चलिए बेटा मीनिंग समझते हैं हम HCF का। HCF का मीनिंग क्या होता है? HCF का मीनिंग होता है दो या दो से ज़्यादा गिवन नंबर होते हैं उनका HCF का मीनिंग होता है उनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो उन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट भी और वो कॉमन भी, उसे HCF कहते हैं। यानी डिफाइन कर सकते हैं इसे द हाईएस्ट कॉमन, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ब्रैकेट में बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है? अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF को GCD भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। भी डिवाइजर ही तो फैक्टर होता है, फैक्टर की डेफिनेशन में जाए तो, ठीक है, तो डिवाइजर मीन क्या होता है? द एग्जैक्ट, मतलब जो फैक्टर होता है द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए गिवन नंबर होता है। इट मीन्स द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो, ये भी हमारा HCF को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं आपको फाइंड HCF ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व। ठीक है, अगर हमें HCF निकालना है 6 और 12 का, तो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन? नॉर्मल तरीके से फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर लिखेंगे, और 6 के फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1, फिर हम 6 को लिखेंगे, और फिर देखेंगे 6 किस से डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी। सिमिलरली फैक्टर ऑफ 12 आर 1 और खुद 12 हो गया, और किस किस से डिविजिबल है, 12 2 से भी है
थ्री से भी है और मान लेते चलो सॉरी फोर से भी है, सिक्स से भी और खुद ट्वेल्व से भी। अब आप देखोगे कौन कौन सा इसमें कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, टू भी कॉमन फैक्टर है, थ्री भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और सिक्स भी कॉमन फैक्टर है सिक्स और ट्वेल्व में। बट इन सब में से आप नोट करोगे कौन सा सबसे लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट है और सबसे मतलब हाईएस्ट कौन सा है, वन टू थ्री या सिक्स, सिक्स है। तो यही हमारा क्या है एच सी एफ है। तो हम लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व इज सिक्स, और इसको नोटेशन में लिख सकते हैं एच सी एफ इसका सिक्स और ट्वेल्व का वो सिक्स है। और भी तरीके हैं, सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं एच सी एफ क्या आ रहा है सिक्स आ रहा है, क्लियर। तो आई होप आपको एच सी एफ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। एच सी एफ का मीनिंग होता है सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी किसी दो या दो से अधिक गिवन नंबर है उनके जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को ही हम एच सी एफ कहते हैं, क्लियर है। चलिए आप इसको नोट करो, मैं आपको बताता हूँ एच सी एफ फाइंड करने के कितनी मैथोलॉजी होती है यानी मैथड्स होते हैं, ठीक है। चलिए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एच सी एफ, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हेडिंग में। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एच सी एफ और जी सी डी, यानी एच सी एफ और जी सी डी को फाइंड करने के लिए हमारे पास में मेन वैसे तो कई मेथड्स होते हैं लेकिन फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट है, फॉलोइंग आर टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है। तो पहला है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी हम एच सी एफ को टेंथ क्लास में इन दो मेथडों का यूज़ करके निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। दोनों ही मेथड की अपनी अपनी अप्लीकेशन से और दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन ये थोड़ा जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है ये हमारा एडवांस वर्जन या एक सिक्वेंस कहो यूक्लिड डिवीज़न लेमा की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये भी एक अच्छा मेथड है, इससे भी हम लार्जेस्ट नंबर का एच सी एफ ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है डिवाइड कर। तो पहले एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे दो या दो से अधिक नंबरों का एच सी एफ फाइंड करें। तो इस मेथड से अगर हमें दो या दो से अधिक नंबरों का एच सी एफ फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरों को ऑप्टेन करेंगे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद में उनको पावर यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में रखेंगे, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में रखने के बाद में हम देखेंगे उनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, उनकी लीस्ट पावर लेके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यानी उनका प्रोडक्ट ऑप्टेन करेंगे, वही हमारा एच सी एफ होगा। तो मैं इस पूरी प्रोसीजर को एज ए एल्गोरिथम के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड एच सी एफ वी मे यूज एल्गोरिथम एज, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब कुछ नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप यानी एक ऐसी प्रोसेस सीक्वेंस होती है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। तो स्टेप पहला क्या करना है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है ऑप्टेन नंबर्स एंड एक्सप्रेस्ड देम इनटू प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नंबरों को ऑप्टेन करना है और उनको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, स्टेप सेकंड नाउ टेक द कॉमन फैक्टर,
मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि यही सबसे काम की बात है। इसमें कॉमन फैक्टर लेना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। टेक द कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, लीस्ट एक्सपोनेंट बोलो या पावर्स के साथ, ठीक है। यानी कॉमन फैक्टर लेने हैं आपको लीस्ट एक्सपोनेंट के साथ में, पावर के साथ में। फिर स्टेप नंबर थर्ड देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप सेकेंड, ठीक है। यानी जो भी तुमने लीस्ट पावर लेने के बाद में जो भी नंबर आपके ऑब्टेन हुए इस स्टेप के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करना है, विच विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ। वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 and 27। चलो 36 और 27 का मैं एस सी फाइंड करते थे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव 36 है, 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 1 और 2 8, 2 से अगेन 2 9 और 3 से 3 3 जा और 3 1, ठीक है। अब 21 के फैक्टर करेंगे प्राइम, 3 से 3 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। अब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 36 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 27 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 रेज टू पावर 3। अब स्टेप देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेप देखो बेटा, कि जो HCF है हमारा इन दोनों नंबर का क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, ऑप्टेन द नंबर एंड एक्सप्रेस देम इनटू प्राइम फैक्टर्स, यानी हमने नंबर को ऑप्टेन करा उसके प्राइम फैक्टर करे। इसके बाद में हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर लेने विद लीस्ट पावर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, यानी 3 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं। अब लीस्ट पावर देखो, यहाँ पे 36 में 3 की पावर 2 है और 27 में 3 रेज टू पावर 3 है, तो इन दोनों में लीस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 3 इंटू 3 यानी यही हमारा HCF, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 36 और 27 कितना है हमारा, 9, ठीक है। यानी 9 एक ऐसी टेबल है जो दोनों को डिवाइड करती है और जो सबसे बड़ी टेबल है इनके लिए, ठीक है। आप नोट करो, मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ इससे। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं HCF फाइंड करने को, जिसमें 3 नंबरों का यूज करेंगे। क्वेश्चन है GCD करके ले देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड GCD ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, नंबर है हमारे पास में 20, 28 और मान लेते हैं 36, क्लियर है। अब इनका हमें GCD यानी वही HCF फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा। सॉल्यूशन
तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर में स्प्लिट करना है, यानी 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 से 10, 2 से 5 और 5 1 ये हो गया। सिमिलरली 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 1 4, 2 से 7 और 7 1। 36 का बेटा अभी करा था हमने, 2 से 1 8 और 2 से 9 और फिर 3 से 3 3 जा और 1 जा। यानी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 1। सिमिलरली 28 को स्प्लिट कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 1। 36 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर भी 2 हो गया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं तीनों नंबरों के अंदर। तो इनका जो जीसीडी है और या इनका एचसीएफ बोलो, जीसीडी या एचसीएफ बोलो, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ एक ही है, 2 इधर भी है, 20 में भी 2 है, 28 में भी कॉमन फैक्टर 2 है और 36 में भी 2 है, तो 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब 2 की जो सबसे मिनिमम पावर है दोनों में ही सेम है, तो यही हो गया, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 ही इन दोनों इन तीनों नंबरों का एचसीएफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी वेयर ए की वैल्यू है 6, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5 और जेड की पावर 7 है, और बी मान लेते कंसिडर करते बी कितना है हमारा 12, एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 7 और जेड की पावर 3। यानी हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है ए और बी का। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, तो और एक सिंपल दे दिया हमें इसको, तो और इजीली ब्रेक कर देंगे। तो ए की वैल्यू है हमारे पास में 6 इंटू एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 7 है। ठीक है, और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1 और यहाँ एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5 और जेड की पावर 7। तो ये हमारे पास में ये आ गया, और बी की प्लेस पे क्या आ गया हमारा 12 है इंटू एक्स की पावर 4 है और वाई रेज टू पावर 7 और जेड रेज टू पावर 3 है। तो हम इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इंटू वाई रेज टू पावर 7 और जेड रेज टू पावर 3। अब आप एच सी एफ की डेफिनेशन पढ़ो, तो इन दोनों नंबरों का जो एच सी एफ होगा, ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है, इसमें भी ए में भी 2 कॉमन आ रहे हैं और बी में भी 2 कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन फैक्टर है, दूसरा एक्स हमारा ए में भी है और बी में भी है, तो x भी कॉमन फैक्टर है, y हमारा a में भी अवेलेबल है और b में भी अवेलेबल है, यानी y भी कॉमन फैक्टर है, z भी सिमिलरली कॉमन फैक्टर है। बट SCF के लिए हम लीस्ट पावरों का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है लेकिन a में 2 रेज टू पावर 1 है, तो लीस्ट पावर 1 हुई। सिमिलरली x की पावर यहाँ 3 है a में लेकिन b में 4 है, तो लीस्ट कितनी हुई, 3 हुई। ए में वाई की पावर 5 है और बी में वाई की पावर 7 है, तो लीस्ट कितनी हुई, 5 है। ए में जेड की पावर 7 है और बी में जेड की पावर 3 है, तो लीस्ट कितनी हुई, 3। तो यही हो गया इनका एच सी एफ, यानी ए और बी का जो एच सी एफ हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 3, वाई 5 और जेड की पावर 3। ठीक है, चलिएगा नोट करिएगा, नेक्स्ट मेथड में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस मेथड से हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ये बहुत इजी मेथड है और छोटी क्लास में भी यूज़ होता है और बड़ी में भी यूज़ होता है। इस मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, दो या दो से ज़्यादा जो नंबर गिवन है हमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में उन्हें क्या करना है, हमारे को पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर जो जो कॉमन फैक्टर है उनको लीस्ट पावर के साथ में हमें लेना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो भी प्रोडक्ट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ। चलिए।
चलिए नोट कर लो सर। चलिए बेटा HCF निकालने का हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, जो था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मेथड क्या था HCF फाइंड करने का? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले हम एल्गोरिथम टर्म का मतलब समझते हैं। एल्गोरिथम मीन्स अ सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ प्रोसीजर टू फाइंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है वेल डिफाइंड जो स्टेप होते हैं उनकी एक ऐसी सीरीज जो हमें एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी एक ऐसी टेक्निक है जो दो गिवन पॉजिटिव नंबरों का HCF फाइंड करने में हमारी मदद करती है। तो चलिए एल्गोरिथम को मैं लिखता हूँ किस तरीके से इसका अप्लाई होता है हमारे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास में दो नंबर है A and B। चलो इन ऑर्डर टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स, मान लेते हैं वो दो नंबर हमारे पास में से A and B, वेयर A greater than B है। ठीक है ना, वी मे यूज फॉलोइंग एल्गोरिथम, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी का रिपीटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ हम एडिंग लगाते हैं एल्गोरिथम। तो पहला काम क्या है बेटा आपका, सबसे पहला स्टेप देखो क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड करने के लिए। ठीक है, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहला अप्लाई करना है हमारे को, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ लेमा ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला एल्गोरिथम रिपीटेड ऑपरेशन है हमारा। अप्लाई करो यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन पॉजिटिव नंबर्स A and B and obtain whole numbers Q and R such that। ठीक है, हमें दो होल नंबर ऑप्टेन करने, डिवाइड करने पे Q and R such that की जो A की वैल्यू है, A को थोड़ा सही बताता हूँ बनाता हूँ ताकि Q और उसमें वो ना हो, A = BQ + R। ठीक है, ये फर्स्ट है वेयर R आपको पता है कंडीशन होती थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन B होती थी। क्लियर है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपका, अगर आपको जब डिवाइड करते टाइम में मान लेते हैं इफ R इक्वल टू जीरो आ जाता है तो देन HCF ऑफ A एंड B इज B होगा। ठीक है ना, B मतलब जो हमारा डिवीजर ही होगा वही हमारा HCF होगा अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है फर्स्ट स्टेप पे। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, इफ ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे हम, इफ R इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अगेन, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन डिवीजर बी एंड रिमाइंडर आर। ठीक है, रिमाइंडर आर। ठीक है, यानी हम दोबारा अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे, इसको डिवीजर को कंसिडर कर लेंगे अब हम डिविडेंड और रिमाइंडर को कंसिडर कर लेंगे हम डिवाइजर, अप्लाई करेंगे हमारे। ठीक है, और ये प्रोसेस हम तब तक अप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारे में हर बार नए डिवीज़र और नए रिमाइंडर के साथ, मतलब हर बार नए डिवीज़र नए रिमाइंडर के साथ में जब तक हमारा जो डिवीज़र है सॉरी जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हो जाता। और जिस स्टेट पे रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उस स्टेट पे जो हमारा डिवीज़र होगा यानी जो डिवाइज़र होगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। यानी हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं,
कॉन्टिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज जीरो. तो जो जीरो जब तक रिमाइंडर नहीं आता जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे. द डिविजर एट द लास्ट स्टेज बोलो या स्टेप बोलो. लास्ट स्टेप कौन सा होगा? व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो. यानी जहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो. इज रिक्वायर्ड HCF और GCD ऑफ गिवन नंबर्स. ठीक है बेटा. यानी जो लास्ट स्टेप्स में जो भी हमारा डिविजर होगा जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा वही हमारा HCF होगा. आप इसे नोट डाउन करो, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ. प्रोसीजर ये NCERT में भी अवेलेबल है आपके पास में और कई बुकों में अवेलेबल होगी, बट थोड़ा सा ध्यान से आप रीडिंग करोगे मैं इसको समझा देता हूँ. मैं दोनों पैटर्न में समझा दूंगा कि हम कैसे इसके शॉर्ट से भी कैसे निकालते हैं डिवाइड करके डायरेक्टली, और फिर हम एल्गोरिदम को उसी डिवीजन के प्रोसेस को, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को यूज़ करके एल्गोरिदम को कैसे लिखेंगे. ठीक है. अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे, और अगर हमें तुम्हें शॉर्ट निकालना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो भी कैसे करते हैं. आप इसको नोट करो, मैं कराता हूँ क्वेश्चन. चलिएगा, चलिए हो गया. चलिए तो मैं अब कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको बेटा कैसे हम अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. चलिए तो स्टेप को भी कैसे लिखेंगे हम और एल्गोरिथम को. मान लो आपके पास में एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है या एग्जाम्पल मान लेते. ठीक है, फाइंड करना है आपको, फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 81. क्लियर है बेटा. आपको 36 और 81 का वो लेना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है बेटा, हम HCF तो हमने पहले भी निकाला है. ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF फाइंड करने जा रहे हैं. तो चलिए एक ऐसे सॉल्यूशन करेंगे हम. ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा इसका. मैंने बोला जो भी नंबर हमारा बड़ा होगा उसको ए कंसीडर करेंगे. हेयर आप देखोगे, हेयर 81 इज ग्रेटर देन 36. तो हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू हमारा 81 है और बी इक्वल टू 36 है. तो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन को, तो हमें 81 को डिवाइड करते हैं 36 से. क्लियर बेटा. तो 36 की टेबल 81 में 2 टाइम्स आएगी, 72 होता है, और ये रिमाइंडर जो आएगा हमारा कितना जाएगा, यानी आ जाएगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा 9 आ जाएगा. क्लियर है, 9 आ जाएगा रिमाइंडर आपका. अब क्या करना है, इस रिमाइंडर को तो हमें बना देना है नया न्यू डिवीजर बना देना है, और जो हमारा डिवीजर था उसको डिविडेंड बना देना है. अब फिर अगेन पढ़ेंगे इसके लिए हम, 9 4 36. यानी यहाँ पे इस स्टेप पे देखो रिमाइंडर जीरो हो गया, और इस लास्ट स्टेप पे जो हमारा डिविजर था वो 9 था. तो हम कह सकते हैं कि जो इनका HCF है यानी किसका, 81 और 36 का, वो हमारा 9 है. लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एल्गोरिथम भी लिखनी है, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हैं हम, देखो एल्गोरिथम देखो. सबसे पहले हमने क्या करा, अप्लाई करा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 81 एंड 36. तो हमने अप्लाई करा, तो हमने क्या ऑप्टेन करा, यानी हमने 81 को लिखा किस तरीके से बेटा, 36 यानी डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हमारा 9 था फर्स्ट. ठीक है ना, तो रिमाइंडर क्या है, हेयर रिमाइंडर क्या है बेटा, हेयर रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर क्या है बच्चा, इधर 9 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना, तो हम अगेन क्या करेंगे, अप्लाइंग
यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, अब न्यू हमारा डिवीजन ठीक है ना, अप्लाइंग ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन डिवीजर। अब हमें डिवीजर क्या बना देना है, डिवीजर बना देंगे हम 9 ठीक है ना, एंड एंड जो हमारा डिविडेंड है 36 पे, तो हमने कैसे इसको डिवाइड करने पाया, यानी 36 इक्वल टू 9 इंटू 4 और रिमाइंडर प्लस 0। तो यहाँ देखो आप कि इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया, और कौन हमारा डिवीजर बना है हमारा 9, तो भी कह सकते हैं हम HCF कितना आ रहा है यहाँ से 81 और 36 का तब भी मिलेंगे, क्लियर। तो हम इसे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर एल्गोरिथम लिखनी है आपको तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए नोट करो, मैं एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ आपको, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से लेते हैं क्वेश्चन, चलिए बेटा इसी तरीके से करेंगे। आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, बस यही इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पास में अगेन एक क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है ना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है बेटा। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करके हमें 135 यानी 135 और 225 का HCF फाइंड करना है, क्लियर है। कैसे करेंगे, वही सॉल्यूशन नॉर्मली आप यहां पे देखोगे, हेयर आप अगेन देखोगे 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है ना, व्हिच इंप्लाइज कि हमारा जो ए है वो हमारा 225 है बेटा, और जो बी है वो हमारा हो गया 135 हो गया, क्लियर है। तो अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से शॉर्ट, ठीक है, 225 डिवाइड करने का 135, 135 के टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 270 होता है, लेकिन ये फिर उससे बड़ा हो जाएगा, यानी ये वन टाइम में जाएगा, 135 वन टाइम्स में मूव होगा इससे। अब रिमाइंडर देखते हैं बेटा कितना है, 550 और 22 माइनस 13 ये आपका हो गया 19 हो गया, तो ये हमारा भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहीं से आप थोड़ा सा इसको मूव करा दो यहाँ, और इसको एज ए वो ले लो डिवीज़र, और नया हमारा जो डिवीज़र ओल्ड जो हमारा ओरिजिनल डिवीज़र था वो हमारा बन जाएगा अब डिविडेंड, क्लियर है बेटा। अब इसकी टेबल इसमें पढ़ो, अगर हम 2 टाइम्स में करेंगे तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, ये भी 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है बेटा। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 55 और 39 यानी 4 आएगा बेटा, ठीक है। अगेन इसको हम बना देंगे नया डिवीज़र, और जो हमारा प्रीवियस डिवीज़र था उसको बना देंगे हम डिविडेंड, क्लियर है। अब ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 945 to 90 और यहाँ आ गया आपका 0, क्लियर है बच्चा। तो यहाँ आपने देखा कि रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन लास्ट स्टेज पे जो हमारा डिवीज़र था वो 45 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि HCF कितना है हमारा 45 आया, या आप इसको ऐसे नोटेशन में भी लिख सकते हो कि 225 का और 135 का जो HCF है वो 45 है, क्लियर है बेटा। अगर आपको एल्गोरिथम भी लिखनी है, एल्गोरिथम लिखनी है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने अप्लाई करा अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन, सबसे पहले हमने करा 225 एंड 135, तो वी गेट हमने क्या ऑप्टेन करा, वी गेट यानी 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस 90 इज ए रिमाइंडर, ये फर्स्ट स्टेप आएगा। हेयर आप देखोगे
हेयर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया बेटा यानी जो 90 है इज नॉट इक्वल टू बी जीरो, नहीं है ना। तो अगेन हमने क्या करा, अप्लाइंग, सो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस किस पे अप्लाई करेंगे बेटा हम, अब हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे 135 पे और 90 पे कर हमने, यानी 135 न्यू हमारा डिविडेंड हो गया एंड 90। तो हमें क्या ऑप्टेन हुआ बेटा, हमें हुआ 135 इज इक्वल टू 90 और ये कितने टाइम्स में गया, वन टाइम्स में, ठीक है बेटा, कितने टाइम्स में गया, वन टाइम्स में, यानी वन और रिमाइंडर ऐसे क्या है हमारा 45, ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 45 है हेयर, ठीक है, रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू जीरो, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 90 एंड 45, यानी 90 और 45 के ऊपर अगेन हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या ऑप्टेन हो रहा है, यानी 19 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है ना। तो आ गया हमारा रिमाइंडर 0, तो जो लास्ट डिवीजर है वही हमारा क्या होता है, एससीएफ होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट दिस स्टेज, स्टेज या स्टेप व्हेन रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर बिकम्स 0, द डिवीजर क्या है बेटा हमारा, डिवीजर इज 45, सो रिक्वायर्ड एच सी एफ क्या हो गया, रिक्वायर्ड एच सी एफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45, और नोटेशन में लिखना है तो मैं एच सी एफ ऑफ 25 और 135 इक्वल टू 45, ठीक है बेटा। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे एससीएफ निकालते हैं, ये बड़ा क्विक तरीका है। आप इसको, ये हम जो हमारी एल्गोरिथम है ओरिजिनल, वो दो नंबर, दो पॉजिटिव गिवन नंबर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको तीन चार जितने मर्जी, लेकिन हमेशा पेयर में दो दो का यूज़ करके हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे को कमेंट करके बताना कि किस तरीके आपको प्रोसेस लगी है और किस तरीके से आपको क्लास लगी, ठीक है। थैंक यू और मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। चलिए नोट करो इसे।